ये देख सकते हैं आप, 3 साल पूरा होने के बाद चौथे साल इस पे लगा हुआ है, और ये आप फल देखेंगे 35 डेज का है। सितंबर अक्टूबर में फल हो जाएगा, अक्टूबर में इसको हम तोड़ देंगे। और डेंगू के रोग में जब प्लेट्स की कमी होती है तो इस फल का प्रयोग किया जाता है, इसको लिया जाता है। अभी तो छोटे हैं, देखते हैं इसका साइज़ कितना होता है। फर्स्ट टाइम ही लगे हुए हैं और 6 पेड़ मैंने ट्राई किए थे, सिर्फ मात्र 6 पेड़ों के प्रयोग को मैंने यहाँ पर अपने गांव पे चेक किया था कि क्या ये यहाँ सक्सेस है। बट मुझे लगता है यहाँ के अनुरूप, यहाँ के जलवायु के अनुरूप ये, अगर हम काउंटिंग करें तो मैंने पाया कि पूरे सबको काउंट करने के बाद लगभग ये 100 के आसपास है, जबकि फर्स्ट साल का फल है, अभी एक ही साल इसको हुआ है। अब आप देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये है, सबसे पहले एक पौधा ये है हमारा, ये हमारा मादा है। अभी इसकी जड़ों को थोड़ा ठीक करेंगे, साथ साथ में मैंने कोशिश ये की है, जैसे बड़ी इलायची की बात करें, हम इसमें इसके नीचे बड़ी इलायची को थोड़ा छाया चाहिए, बड़ी इलायची भी लगा रखी है। इस बार बड़ी इलायची में लग रहे हैं, इस प्रकार से आप देख रहे होंगे ये। और इसमें लहसुन, इसके नीचे लहसुन की भी खेती हमने की, मल्टी लेयर फॉर्म में एग्रीकल्चर को बढ़ाने की कोशिश थी, और लेकिन वो सक्सेस हो रहा है यहाँ पर। लेकिन बंदरों का आतंक उतना नहीं है जितना मैं देखूं इस फल के प्रति। अब इसमें आप थोड़े देंगे, थोड़े थोड़े रुए से हैं, रुए ये आप देखेंगे, यहाँ पर है इलायची का पौधा। साथ में आप ये देखेंगे, ये मेल वाला पार्ट है, ये जो बीच का पौधा है हमारा, अब ये मेल वाला है, क्योंकि वैसे तो 9 के रेशियो में है, 9 आपका अगर मादा पौध इसके लगे हैं तो एक नर लगाया जाता है, लेकिन मैं 6 के बीच में लगाया था इसको, 4 मादा और 2 नर हार्वर्ड में। अब इसके जो अगर फ्लावर देखेंगे, ये थोड़ा आपको सूखे से नज़र आएंगे, ये मेल इसका फ्लावर है, नर फूल, अब सूखने के बाद ऐसे हो गया है। इसमें हैंड प्रूनिंग, आपका हैंड पोलिनेशन भी किया जाता है, थोड़ा कीट परागण इसमें कम होता है अन्य फलों की अपेक्षा। अब मैं आपको इलायची दिखाता हूँ जी, इसको भी लगभग 2 साल हो चुके हैं इसको लगाए हुए। ये हार्वर्ड की, यहाँ आप देखेंगे इसका स्टिकर भी लगा है, स्टिकर में आप पढ़ेंगे थोड़ा, हाँ उल्टा दिख सकता है क्योंकि सेल्फी की वजह से, ये टैग भी लगे हुए हैं। अमूमन आप देखेंगे, काम तो मेन दीदी करती हैं इधर। हाँ दीदी, लहसुन कितना हो रहा है? लहसुन तो ये ठीक ही हो रहा है। हाँ, ये जो कीवी लगाया है कैसा लग रहा है तुम्हें? कीवी लगाना अच्छा है इधर या? कीवी अच्छा लग रहा है। हाँ, पहले क्या हो रहा है? लहसुन तो ठीक ही हो रहा है। कीवी अच्छे हो रहे हैं, कीवी अच्छे हो रहे ना। तो ये तो फर्स्ट ट्राई था कि हम कीवी लगाना चाह रहे थे, लेकिन फर्स्ट ट्राई ही सक्सेस लग रहा है, तो इसके बाद बढ़ाएंगे इसको। इसके पेड़ बढ़ाने हैं, इसके यहाँ बढ़ाने हैं। अभी कितनी जगह पे और लगाने का है प्लान? प्लान फरुआम भी है। हाँ, हिलोरा जो फार्म से हमारा वहाँ का है। और इसके पौध बनाने के लिए रखे हैं, आपको पौध भी छोटे हुए हैं। हाँ, छोटे हुए हैं, वो भी लग देंगे। लहसुन 2 प्रकार के हैं, ये लहसुन तो जो ये खोद रहे हैं वो है, दूसरा साथ में एक बड़ा वाला लहसुन है, तो साथ में देख सकते हैं अभी हमारी बाकी है, जिसमें कभी 9 परिवार एक साथ रहा करते थे, लेकिन आजकल थोड़ा पलायन हो गया तो काफ़ी लोग यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं, और कुछ खेत साथ में उपजाऊ हैं, तो एक बगल में आप देख रहे होंगे बंजर खेत भी है नीचे साइड पे।
ये रिगाल है, इसकी डलिया टोकरियाँ मैट चटाइयाँ बनती हैं। साथ में यहाँ आपको अखरोट के पेड़ भी दिखाई देंगे। इसकी सब्जी बनती है, इसको बोलते हैं झनकारा। गंदरण अंदर